भारतीय जनता पार्टी भारतीय युवा मोर्चा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित करने पर साथ ही एमपीएससी के विद्यार्थियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ जाहिर निषेध दर्शाया गया। भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित करने पर जाहिर निषेध दर्शाया गया, साथ ही एमपीएससी विद्यार्थियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ भी सरकार का निषेध दर्शाया गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय युवा मोर्चा रास्ते पर उतरी, इसमें निषेध फलक हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर सरकार का निषेध दर्शाया। राज्य शासन का निषेध दर्शाने के लिए गांधी चौक में महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रतीकात्मक पुतले का दहन करते भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस समय राज्य शासन का निषेध कर जिलाधिकारी की ओर से राज्यपाल को महाविकास आघाड़ी सरकार बर्खास्त की जाए इस मांग का निवेदन भेजा गया। भाजपा के शिष्टमंडल में भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले, महानगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, महापौर अतुल कंचर लावार, उप महापौर राहुल पावड़े, कोषाध्यक्ष प्रकाश धारने, भाजयुमो जिलाध्यक्ष विशाल निम्बाड़कर, पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर, रवि लोनकर इनकी उपस्थिति थी। इस अवसर पर भाजयुमो महामंत्री प्रज्वल अंतकड़ू, खनिल डोंगरे, प्रमोद क्षीरसागर, राहुल पाल, कुणाल गुंडावार, स्नेहित लांजेवार, अक्षय शेंडे, प्रवीण उरकुड़े, आकाश मोहके, कृष्णा चंदावार, देवेंद्र पेले आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो काळिंबा फासणारी घटना जे काल पूरा महाराष्ट्र घडलेली आहे त्या निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा आज रस्त्यावर उतरलेली आहे। कारण हे लोकशाहीची हत्या आहे। 12 आमदाराला निलंबन करून हे साध्य करून आलेले आहे की आम्ही हुकुमशाहीची हत्या करून आलेलो आहोत। कारण ओबीसीच्या आरक्षणाबद्दल चर्चा करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे लोकप्रतिनिधी जेव्हा प्रश्न विचारत होते त्यांना सरळ तिथल्या अध्यक्षांनी डायरेक्ट निलंबनाचा आदेश दिला, हे कुठपत सत्य आहे। म्हणून आम्ही भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा तर्फे या सरकारचा निषेध करतो आणि या मुघलाय सरकारचा निषेध करतो। आणि देवेंद्रजी फडणवीस आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी जे सांगितलं की तुम्ही 12 आमदारांचे निलंबन करून काय साध्य करून दाखवताय, तुम्ही 12 ओबीसी आरक्षणासाठी 12 आमदारांचं तुम्ही निलंबन करा की 106 आमदारांचं निलंबन करा, पण तरी आम्ही हा लढा सातत्याने ठेवू असं थेटपणे आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस या विधानसभेत ठणकावून सांगितलं। आणि आम्ही यानंतर कोणतेही या मुघलाय सरकारचं खपवून घेणार नाही आणि येत्या काही दिवसात आम्ही उग्र आंदोलन करू आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा रस्त्यावर उतरू।